नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक आज आप सभी लोगों के लिए पर्यावरण के भाग 3 से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेके आए हैं, जो टेट सीटेट और सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, तो जीव एवं उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम या शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो किसने किया, रेटर ने किया था। अगला है हम लोग का पारिस्थितिकी की कौन कौन सी शाखाएं हैं, तो पारिस्थितिकी की कौन कौन सी शाखाएं हैं, स्वपारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का एक ऐसा तंत्र जो निर्जीव वातावरण एवं सजीवों के बीच पारस्परिक संबंध दर्शाता है, वह क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, वह पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया, तो किसने किया था, एजी टेंसले ने किया था, 1935 में किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है भारतीय पारिस्थितिकी का पिता किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, रामदेव मिश्र को माना जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का क्या पिता माना जाता। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किन दो घटकों से होता है, क्या पूछ रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किन दो घटकों से होता है, तो कौन सा है, पहला है हम लोग का जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक, जिसको पहले को बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, दूसरे को एबायोटिक कंपोनेंट्स बोला जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का है जैविक घटक कौन कौन से हैं, क्या पूछ रहा है, जैविक घटक कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से जैविक घटक होते हैं, वह हमारे हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो तीन प्रकार के हो गए घटक, जैविक घटक जो होते हैं, हमारा हो गया पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटक। उत्पादक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं वह उत्पादक कहलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का उपभोक्ता को कितने श्रेणियों में बांटा जाता है, क्या बोल रहा है कि उपभोक्ता को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, तो कितने, तीन अभी बताया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का उपभोक्ता को किन श्रेणियों में बांटा गया है, तो देखिए यहाँ पे है पहला कौन सा है, पहला हम लोग का है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीय उपभोक्ता, तीसरा है तृतीय उपभोक्ता। पहला प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो उपभोक्ता को कितने भागों में, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का गाय भैंस बकरी चूहे खरगोश कीट किसके अंतर्गत आते हैं, तो किसके अंतर्गत आते हैं, यह हमारे प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का लोमड़ी भेड़िया मोर पक्षी बिल्ली मेंढक आदि उपभोक्ता को किस श्रेणी में आते हैं, तो किस श्रेणी में आते हैं, यह हमारे द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का तृतीय उपभोक्ता, क्या पूछ रहा है, तृतीय उपभोक्ता के उदाहरण है बाघ है, शेर है, चीता और सर्प होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का यह मृत उत्पादक यह
मृत उत्पादक योग उपभोक्ताओं का अपघटन करने पर उन्हें भौतिक तत्व में परिवर्तित कर देते क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? वह हमारे अपघटक या डीकम्पोजर कहलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक घटक के प्रकार हैं। तो पहला है कार्बनिक पदार्थ, दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ और तीसरा है जलवायवी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का पर्यावरण के जैविक घटकों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? यह हमारा जीव विज्ञान में किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, भूगोल विषय पर्यावरण से संबंधित किस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है? तो पहला है अजैव घटकों, दूसरा है प्राकृतिक आपदाओं, तीसरा है संसाधनों की उपलब्धता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का पारिस्थितिकी तंत्र में अकार्बनिक पदार्थ है जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और तीसरा है गैसें। अगला, कौन से तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं? तो पहला है जिंक और दूसरा है मैग्नीज और तीसरा हमारा है कॉपर और चौथा है हमारा बोरान, पांचवा है बेरियम। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, मोलीबेडनम है और बोरान है और एल्युमिनियम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है मैग्नीशियम मैग्नीशियम सल्फर आयरन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन आदि कौन से तत्व होते हैं? कौन से हैं? सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से? मैग्नीशियम सल्फर आयरन कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार हैं। कौन से हैं? जीव संख्या का पिरामिड और दूसरा हम लोग का है जीव भार का पिरामिड और तीसरा है हम लोग का ऊर्जा का पिरामिड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है जीव संख्या का पिरामिड के उदाहरण है। तो कौन है? घास के मैदान है, वन है। कौन कौन से होते हैं? घास के मैदान और वन। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड होता है कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है, अपराइट पिरामिड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का जीव भार का पिरामिड के उदाहरण है। तो उदाहरण कौन सा है? घास के मैदान और वन होते हैं। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। नदी या तालाब में ऊर्जा का पिरामिड होता है कैसा होता है? सदैव सीधा होता है, ऑलवेज कैसा होता है? अपराइट होता है। ऊर्जा प्रवाह का निश्चित क्रम है कैसा होता है? ऊर्जा प्रवाह का निश्चित क्रम उत्पादक होता है, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी होता है। उत्पादक, फिर शाकाहारी और फिर मांसाहारी। अगला, हरे पौधे और संश्लेषी जीवाणु भाग हैं। कौन से होते हैं? स्वपोषी अर्थात जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला हम लोगों का है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। अगला, स्वपोषी घटक के सदस्यों को क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाता है उत्पादक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है कौन सा? महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो चलिए देखते हैं,
प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस और कवक। प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस, कवक। अगला, घास भूमि के पारितंत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता, क्या बुझ रहा है, सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता है, तो शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी, तो कौन होता है इसमें, हमारा होता है मांसाहारी। जैसे इसमें प्रोटीन था, मृदा था, फास्फोरस था, कवक था, तो कौन सा सही हुआ था, कवक। तो इसमें भी शाकाहारी है, मांसाहारी है, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी, तो कौन सा होगा, सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं, मांसाहारी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, क्या पूछ रहा, प्रमुख स्रोत कौन है, एटीपी है या सूर्य प्रकाश, डीएनए, आरएनए, तो कौन सा है, सबको पता है कि सूर्य का प्रकाश। अगला है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, तो सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है, सी इल्टन ने इसको प्रस्तुत किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हम लोग का, खाद्य श्रृंखला के कार्य हैं ऊर्जा के स्थानांतरण, जैव घटकों की संरचना और पदार्थों के स्थानांतरण को प्रदर्शित करता है, यही क्या कहलाता है, यही हमारा खाद्य श्रृंखला का कार्य होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीव मंडल में ऊर्जा का प्रवाह है, जीव मंडल में ऊर्जा का प्रवाह है, कैसा होता है, एक ही दिशा में होता है। अगला हम लोग का, जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो क्या होता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत, हमारा सूर्य होता है। चलिए अगला है, घास मंडल की खाद्य श्रृंखला पांच स्तर का सही क्रम है, तो पहले घास, फिर टिड्डा, फिर मेंढक और फिर सांप और फिर हमारा क्या आ जाएगा, मोर आ जाएगा, तो यही क्रम हमारा क्या होता, घास स्थल का सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का, तालाब के खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, तो पहला शैवाल, उसके बाद क्या आएगा, प्रोटोजोआ, फिर छोटे जलीय कीट और उसके बाद क्या आ जाता है, छोटी मछलियाँ, उसके बाद हमारी क्या, बड़ी मछलियाँ आ जाती हैं। चलिए अगले की चलते हैं। जीव भार का पिरामिड, तो यहाँ से देखिए, घास का मैदान, क्या पूछ रहा है, घास का मैदान पारिस्थितिक तंत्र ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम हमेशा कैसा होता है, सीधा या अपराइट होता है। तालाब पारिस्थितिक तंत्र कैसा होगा, या उल्टा या इन्वर्टेड बनता है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का, ताजे पानी, क्या बोल रहा है, ताजे पानी पारिस्थितिक तंत्र फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनता है। अब सबको पता है इन्वर्टेड मींस क्या होता है, उल्टा, तो उल्टा बनेगा। अगला भी क्वेश्चन हमारा क्या है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र कैसा होगा, इसका भी इन्वर्टेड, अर्थात हमारा कैसा बनता है या हमारा कैसा बनेगा, उल्टा बनता है। चलिए जीव संख्या का पिरामिड से परजीवी खाद्य श्रृंखला जो होते हैं, पैरासिटिक फूड चैन, इसका भी कैसा बनेगा, ये भी कैसा बनता है, उल्टा बनता है, अर्थात इन्वर्टेड बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, वन पारिस्थितिक तंत्र अपराइट इसका बनता है, कैसा बनेगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अपराइट बनता है। अगला, घास का मैदान पारिस्थितिक तंत्र ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम भी कैसा बनता है, यह हमारा अपराइट बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का, कवक और जीवाणु उदाहरण है, किसके उदाहरण होते हैं, परजीविता अर्थात पैरासिटिज्म के उदाहरण होते। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, लाइकेन कवक शैवाल का संबंध है, उदाहरण है सह जीविता या सिम्बायोसिस। चलिए अगला है, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, तो किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरे पौधे जो होते हैं वह भोजन बनाते
तो ये आज थे पर्यावरण के भाग फोर से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे बनने वाली सभी वीडियो को सबसे पहले विद्यार्थी देख सके। हमारा टेलीग्राम चैनल है शंकर स्टडी पॉइंट और व्हाट्सएप नंबर है 7380800 6 4